morning, students. Today is 8th August 2020, Saturday. This class is for nursery class and the subject is English. English में आज मैं आपको introduce कर रही हूँ alphabet O. O को हमने introduce किया है O for orange से. क्या होता है O for orange? अब हम सीखेंगे O for orange लिखते कैसे हैं. आपकी नोटबुक में 1, 2, 3, 4 फोर लाइंस बनी होती है, तो कैपिटल अल्फाबेट लिखने के लिए हमेशा हम 3 लाइंस का यूज करते हैं, ऊपर की 3 लाइंस का यूज करते हैं. तो यहाँ पर मैंने डॉट लगाया है, तो ओ बनाने के लिए पहले हम डॉट को मिलाते हुए एक हाफ सर्कल बनाएंगे, फिर नीचे से ऊपर ले जाकर सर्कल पूरा करेंगे. बन गया ओ फॉर ऑरेंज. कैसे बताया मैंने, पहले डॉट को मिलाते हुए एक हाफ सर्कल बनाइए, फिर यहीं से ऊपर ले जाइए और सर्कल को पूरा कीजिए. बन गया ओ फॉर ऑरेंज. इसी तरह से थ्री लाइन का यूज करते हुए हम पूरी नोटबुक में ओ फॉर ऑरेंज बनाएंगे और साथ ही बोलेंगे ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज. तो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क था आज का ओ फॉर ऑरेंज. डू दिस वर्क इन योर क्लास वर्क एंड होमवर्क नोटबुक. थैंक यू.